जी 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 आई थिंक पीस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, अगर और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीस हमारे अंदर होए, क्योंकि अगर हमारे अंदर पीस है तो ही हम पीस को स्प्रेड कर सकते हैं. और बहुत सारी क्वालिटीज से पीस आता है, जैसे ग्रैटिट्यूड. आई थिंक ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. हम सब जहाँ भी हैं ज़िंदगी में, आज अगर हम 5 साल पहले इसी चीज़ को देखें तो हम हमारी ड्रीम थी यहाँ होना, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम इतने बिजी हो जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के लिए भागने में कि हमारे में वो पीसफुलनेस नहीं रहती है, हम वापस वो रेस में लग जाते हैं. तो अगर हम बस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो आई थिंक उस बाय इटसेल्फ पीस हम फील करने लग जाते हैं. बस अगर हम ये एक लिस्ट बना लें कि हम ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए, और अगर हम बस देखें कि 5 साल पहले अगर हम इसी सिचुएशन आज के दिन को देखते तो हम बोलते हाँ कितना अच्छा दिन है, हम भी उस जगह पर रहना चाहते हैं, और आज हम वो दिन जी रहे हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आवरसेल्व्स, एंड व्हेन वी हैव दैट वी कैन बी अ पीसफुल पर्सन एंड देन वी कैन स्प्रेड पीस. और आई थिंक इस टाइप के मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम एक अच्छी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं और उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ होती भी है जिसके पीछे हम कोशिश करते हैं. और ये बोल रहे हैं कि इनके फेसबुक पेज पे 2 मिलियन लोग हैं, तो अगर 2 मिलियन लोग पीस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं तो एटलीस्ट उनके आसपास के 4-5 लोग हैं, उनका दिन तो अच्छा जाएगा, पीसफुल जाएगा, जिसमें वो किसी को हर्ट करने की नहीं कोशिश करेंगे. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल मूवमेंट, और ऐसे मूवमेंट से ही एक चेंज आना शुरू होता है. एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी कॉन्फर्ड द वर्ल्ड पीस एम्बेसडर पोस्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट. सर आप बताइए इस मूवमेंट के बारे में. जैसे पीस है, जैसे मैडम ने कहा कि जो आदमी अंदर से शांत होता है वही उस चीज़ को डेवलप कर सकता है. किसी चीज़ को पाने के लिए अपने आप को शांत करना बहुत ज़रूरी है. आप भी देखे होंगे जितने राइटर वाइट होते हैं वो समुद्र किनारे या नदी के किनारे या झील के किनारे जाके शांत मुद्रा में बैठते हैं, तभी वो कुछ लिख पाते हैं. आज हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम लोग पीस एम्बेसडर बने, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे थ्रू लोगों में शांति अधिक से अधिक जाए. और जैसे मैडम ने कहा कि शांत जब जाएगी जब हम अंदर से खुद से शांत होंगे, जब हम खुद शांत होंगे और उसको अनुभव करेंगे, और जो अनुभव करने के बाद जो किसी को कहता है तो वो एकदम ट्रेडमार्क हो जाता है कि हमने अनुभव किया है. इसलिए हम कह रहे हैं कि शांति इससे बड़ी चीज़ है. जो शांत जिसके अंदर शांति होती है वो समाज में परिवार में भी खुशहाली रहती है, और अगर देश में खुशहाली रहना है तो हमें अंदर से शांत होना पड़ेगा, हमारे परिवार को शांत करना पड़ेगा, तो ही देश को शांति हम दे सकते हैं. कनिष्का मैम आपसे जानना चाहेंगे, एज अ सेलिब्रिटी कितना इंपॉर्टेंट है इस मूवमेंट से जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे फैन फॉलोअर्स होते हैं सेलिब्रिटीज के, तो ये मूवमेंट को कितना फ़ायदा होगा सेलिब्रिटीज के जुड़ने. सेलिब्रिटीज़ के देखो जैसे फॉलोअर्स हमारे होते हैं और लोग हमें फॉलो करते हैं, जिस तरीके से लोग हमें फॉलो करते हैं, जो भी हम जो चीज़ करते हैं पीपल लाइक टू फॉलो अस. सो एज अ सेलिब्रिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट करें. और बीइंग एन एक्ट्रेस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कभी कभी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो बहुत बार हमें शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने अंदर. तो जब जैसे मैंने इसे एक्सेप्ट किया है एज अ लाइक इफ आई एम प्लेइंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो मुझे खुद को अंदर से लग रहा है कि अब मुझे खुद ये जो थॉट है ये दूसरों तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है. तो अगर मेरे अंदर पीस है तो मैं दूसरों तक भी ये पहुंचा सकती हूँ, एंड आई एम श्योर कि लोग इससे काफ़ी इंस्पायर होंगे. पीयू मैम आप क्या मैसेज करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस?
Yes, I think peace is a very important matter and मैं अभी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही हूँ और मूवीज बना रही हूँ एक पीस के ऊपर कि 9/11 के टेररिस्ट के बाद हिटलर जैसे बैड लीडर्स बार बार हमारी जिंदगी में हमारी वर्ल्ड में वापस आ रहे हैं तो हम लोग पीस कैसे स्प्रेड कर सकते हैं द मैसेज ऑफ पीस हैड बीन बिफोर गिवन बाय नॉस्ट्रोडामस बाय मदर टेरेसा बाय टैगोर सो मेनी ग्रेट थिंकर्स एंड ग्रेट मूवी मेकर्स हैव स्पोकन अबाउट पीस सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कवर एज अ genius that how the language of peace can establish a beautiful world through my creativity. Okay, thank you so much. And you know what I figured out, honestly what I figured out, the only way actually to be peaceful or to be happy in a sustained way in our lives is to have an attitude of gratitude. It's only when we actually sit down and write down a list of things that we're grateful for, peace actually comes in because we realize, oh my God, I've got so much. I've got a life. I've got, you know, my body parts are working. I'm not in any hospital. I'm in no ICU bed. I have a family. I have a house over my head. I have food to eat every single day. I have clean water. There's so many things which we don't realize and we take for granted. I think it's only by an attitude of gratitude that you can have sustained peace and sustained happiness. Yes, yeah. Otherwise, we feel it for only small pockets of time. And then it goes away again and another fleeting feeling comes in and we feel that kya ho raha hai. You know, so I feel that attitude of gratitude, if it's done every single day as an exercise, we actually experience it. Yeah, I agree with Arshma, madam. Yes. Like how Oprah was saying in her diary. Yes. Yes. And every morning if we do it, I'm grateful that today I have this, today I have this, today I have this. So we need to be thankful for whatever we are getting in our life. Each and every day we need to give thanks. God. Thanks, to God for everything. Thanks. We have got thank everything. You so much. Particular myself, I thank every day to the God. When I get up, I say thank you, God, very much. You have given me name, fame, health, अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, everything you has got. लेकिन the people are बहुत दुखी है कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे Mercedes भी मिली, मुझे वालकेसर में फ्लैट नहीं मिला. That's not the. But whatever we have got it, we have to thank you because there are so many people do. It doesn't have the things which we are having it. So we have to thank every day to the God that tumne mujhe bahut achhi zindagi di, bahut achhi. Thank you so much. Thank you.